अजय देवगन अपने फैंस के लिए भोला का तोहफा लेकर आए हैं। शिव का प्रतीकात्मक बने अजय यह फिल्म शिव भक्तों को डेडिकेट करते हैं। अजय देवगन के भगवान शिव प्यार से तो हम सभी वाकिफ हैं। फिल्मों के जरिए उन्होंने कई बार अपने शिव भक्त होने की बात को गहरे तरीके से एस्टैब्लिश किया है। फिल्म शिवाय के बाद भोला भी इसी श्रृंखला का एक हिस्सा है। साउथ फिल्म कैथी की ऑफिशियल रिमेक यह फिल्म दर्शकों के लिए कितनी एंटरटेनिंग साबित होती है, आइए जानते हैं इसका रिव्यू। भोला यानी कि अजय देवगन को 10 साल बाद जेल से रिहाई मिली है। जेल में रहते भोला को यह पता चलता है कि उसकी एक बेटी भी है जो लखनऊ के एक अनाथालय में रहती है। जेल से निकलते ही भोला उसे मिलने को आतुर है। वहीं दूसरी ओर ACP डायना जोसेफ यानी कि तब्बू ने एक बड़े गिरोह माफिया के ड्रग तस्करी का माल पकड़ा है और बरामद माल वो पुलिस थाने के एक खुफिया एरिया में छिपा देती है। माल को दोबारा वापस लाने और डायना को जान से मारने की साजिश रचने वाले अश्वत्थामा यानी कि दीपक डोबरियाल को एक पुलिस इंस्पेक्टर जो गजराज राव ने किरदार निभाया है की ओर टिप मिलती है। इसकी तैयारी में अश्वत्थामा पार्टी कर रही पुलिस फोर्स के ड्रिंक्स में कुछ ऐसा मिला देता है जिससे एक एक कर सभी पुलिस इंस्पेक्टर बेहोश हो जाते हैं और उनकी जान को खतरा है। इसी बीच ACP डायना इन सभी पुलिस अफसर को अस्पताल पहुंचाने की जिम्मेदारी लेती है, साथ ही उसे थाने भी पहुँचाना है ताकि बरामद माल पर किसी की सेंध न लगे। इस सफ़र में भोला उनके साथ कैसे जुड़ता है, पकड़े गए माल का क्या होता है और क्या वो पुलिस अफसर को बचा पाता है, अश्वत्थामा अपना बदला कैसे लेता है, इन सारे सवालों के जवाब के लिए नज़दीक के थिएटर की ओर रुख करें। फिल्म एक्शन से भरी है और एक बार ज़रूर देखा जा सकता है।